यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन्स ने जो तबाही मचाई है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान से हजारों घातक ड्रोन्स लेकर उसका सीधा इस्तेमाल यूक्रेनी सेना के खिलाफ किया है। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के भीतर कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन युद्ध में ईरान ने वो कर दिखाया है जिसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक और कामिकेज से लेकर बेहद ही घातक किस्म के ड्रोन्स बना डाले हैं, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक बार फिर से एक खतरनाक ड्रोन बना डाला है, जो अमेरिका और इसराइल के लिए नई मुसीबत बन सकता है। दरअसल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो टारगेट्स के भीतर घुसकर फट सकता है, और ये ड्रोन रूस के जाला लैंसेट मॉडल जैसा है, जिसे पहली बार 2020 में बनाया गया था। इस ड्रोन को लेकर IRGC से जुड़ी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस ड्रोन की नुमाइश की गई है। तस्नीम का दावा है कि इस नए ड्रोन को लैंसेट की क्षमताओं के साथ लैस करके बनाया गया है, जो 30 से 60 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है। ये एक पेलोड को 3 से 6 किलोमीटर तक ले जा सकता है। इसके अलावा ये 40 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकता है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में घातक ड्रोन्स बनाने के मामले में ईरान का अपना इतिहास रहा है। उसके पास ड्रोन बनाने की काफी ताकतवर तकनीक है, या यूं कहें कि पश्चिमी देशों के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में ईरान माहिर है। ईरान ने शहीद वेरिएंट ड्रोन बनाकर रूस को भेजे थे, जिन्हें यूक्रेन के भीतर नागरिक ठिकानों और रिहायशी इमारतों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ईरान पर वैश्विक रूप से कई प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन ईरान के ड्रोन्स की वजह से मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सी संगठन जो इराक, यमन और लेबनान में एक्टिव हैं, वो लगातार इन ड्रोन्स के दम पर अमेरिका और इसराइल पर हमले कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर हमले रणनीतिक जलमार्गों पर हुए हैं, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के युद्धपोतों और मालवाहक जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। और अब ईरान की इसी मिसाइल और ड्रोन बनाने की ताकत को कुचलने के लिए यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका उसके ऊपर नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, और यही वजह है कि इन नए प्रतिबंधों के लगने से पहले ही ईरान ने एक और घातक ड्रोन्स दुनिया के सामने रख दिया है। हालांकि अभी तक इस ड्रोन को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने इन प्रतिबंधों की आलोचना जरूर की है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का उसकी ईरान ड्रोन इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा।